नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं अमरीन कोसर। लंबे वक्त से चल रही दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तकरार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में अहम है, इसलिए मंत्रिपरिषद के पास फैसला लेने का अधिकार है। संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि हर मामले में एलजी की सहमति जरूरी नहीं, लेकिन कैबिनेट को फैसले की जानकारी देनी होगी। मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, हमने सभी पहलुओं पर गौर करके ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि दिल्ली का असली बॉस चुनी हुई सरकार ही है, यानी दिल्ली सरकार। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल हुई थी। 6 दिसंबर 2017 को मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लैंड पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर सरकार के अधीन नहीं आएंगे। इन तीन विषयों को छोड़कर, चाहे वे बाबुओं के ट्रांसफर का मसला या नई शक्तियां हों, वह सारी शक्तियां अब दिल्ली सरकार के अधीन आ जाएंगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़ के साथ।